सोफिया फाउंडेशन एक समाजसेवी संस्था जो आज गरीबों की सहायता करने और नेकी के लिए कदम बढ़ाते हुए निरंतर नए अध्याय लिख रही है। अनेक गरीब बेटियों की शादी में कपड़े और घरेलू सामान देकर सहयोग करने वाली और गरीब माता पिता के हाथ मजबूत करने वाली सोफिया फाउंडेशन ने आज उत्तर प्रदेश के बागपत में एक और नेकी का कदम उठाया और यहाँ के हारून, जिनकी चार बेटियाँ और एक बेटा है, लेकिन हारून के एक दुर्घटना के बाद काम करने में असमर्थ होने पर जवान बेटियों की शादी करना मुश्किल नजर आ रहा था, जिससे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन बागपत के अमजद की सूचना पर सोफिया फाउंडेशन उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आई, क्योंकि आज सोफिया फाउंडेशन की निदेशक त्रिनम खान बागपत पहुंची और हारून की बेटियों की शादी में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और 4,200 रुपए शगुन देकर उनकी पीड़ा को कम किया और उनके जीवन में खुशियां भरने का काम किया। इस दौरान जगत महान न्यूज ने सोफिया फाउंडेशन की निदेशक और अन्य सहयोगियों से बात की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार अलग अलग हस्तियों से और अलग अलग संस्थाओं के बारे में दिखाती रहती है। आज हमारी टीम पहुंची है बागपत में। बागपत में एक नेक कार्य किया जा रहा है। यहाँ गरीब लड़कियों की शादी में एक संस्था द्वारा सहायता की जा रही है, जिसका नाम है सोफिया फाउंडेशन। सोफिया फाउंडेशन की जो अध्यक्षा है वो त्रिनम खान, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि वो पूरे देश में घूम घूम कर अलग अलग क्षेत्र के जो गरीब लड़कियां हैं या गरीब लोग हैं उनकी सहायता ये लोग करते हैं। गरीब बच्चों को भी इन्होंने राशन दिया। शकील खान जो इनके पति हैं वो भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं और सहयोग लोगों का करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज यहाँ बागपत में पहुंचे हैं, चंडीगढ़ या बाहर से पंजाब से चल के आए हैं और यहाँ सहयोग कर रही हैं, क्या सोचती हैं, क्या कहेंगी त्रिनम जी? सबसे पहले आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं सोफिया फाउंडेशन की तरफ से एक कदम नेकी की ओर चलकर हम चंडीगढ़ से आए हैं, यूपी के जिला बागपत में। और यहाँ हमें अभी कुछ दिन पहले ही कॉल गई थी कि इनकी दो बेटियों की शादी है, जिसके लिए हमें अभी बताया गया कल शायद इनकी शादी है। हम यहाँ पर इनकी ज़रूरत के लिए जो हमसे हो चुका ये सब सामान है जो हम यहाँ पर ले कर आए हैं। और हमारा इसी के साथ सिर्फ एक ही है कि एक कदम नेकी की ओर इसीलिए बनाया ताकि जो आजकल हम, हालांकि मैं खुद दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, लेकिन यहां ऐसे वाक्य और ऐसे वारदात लड़कियों के साथ होने के कारण, चंद चीज़ों के कारण, लड़कियों के दहेज के कारण प्रताड़ित करना, उनको परेशान करना, ये सब केस चलते रहते हैं। और जैसा कि ये गरीबी एक ऐसा नाम दे चुके हैं सबको, गरीबत के कारण जो उन बूढ़ियों के माता पिता होते हैं वो इतने परेशान और बेबस होते हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए हमने ये संस्था चलाई है जिसमें हम जो मेन लड़कियों का सामान होता है उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ हमें कॉल आती है, हमारे पास मैसेज आता है। और इसी के साथ सिर्फ हमें ये कहना है कि हम, मेरा और खान साहब का, मिस्टर शकील खान का, हमने कभी मन में ये आस लगाई थी कि हम भी इंसानियत की मदद करें और ये आसान नहीं था सफ़र, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कड़ी मेहनत भी की है और यहाँ तक पहुँचवाने के लिए इस मदद वाले कदम के लिए हमारा साथ उस परवरदिगार ने दिया है जो हम ये सब कर रहे हैं। और मेरा सिर्फ इस सभी के पास एक मैसेज है जो मैं हर एक वीडियो में कहना चाहूँगी और कहती भी हूँ कि हमारा ये ना किसी धर्म, संस्था, जात पात किसी चीज़ के लिए नहीं बना, हम सबकी आने वाली अगली आवाज़ के लिए तत्पर खड़े हैं। सोफिया फाउंडेशन एक कदम नेकी की ओर। जी, आप एक कदम नेकी की ओर चलते चलते काफ़ी समय आपको हो गया और काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी भी आप लोगों ने संवार दी है। ठीक है, दहेज प्रथा जो है उससे आप लोग कह रहे हैं कि उससे वो उसको नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन फिर भी जिस घर में जो है बिस्तर भी नहीं है, जिस घर में जो है घरेलू सामान भी नहीं है, वहाँ पर आप ये आशा की किरण जगा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी में उजियारा लाने का काम कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब आप लोगों तक ये लोग, गरीब लोग आप लोगों तक कैसे पहुँचते हैं और कैसे आप चुनते हैं कि हिंदुस्तान के इस शहर में जाके हमने इन गरीब आदमी की सहायता करनी है, कैसे आप लोगों को? जैसे कि सबसे ज्यादा सहयोग हमारा जगत महान न्यूज चैनल का है जो हमारी वीडियोस को दूर दूर तक फैलाते हैं, पहुंचाते हैं, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाते हैं। कुछ हमारा सोफिया फाउंडेशन का एक मतलब अकाउंट है इंस्टा पर, उसे भी लोग बाग फॉलो करते हैं। उसके जरिए हमारे पास बहुत सी कॉल आती हैं, बहुत से मैसेज आते हैं जिनके जरिए हमें जहाँ तक मुमकिन है, हम जैसे कि आज ही हम पंजाब से ये यूपी में आए हैं, तो उसी के जरिए हम धीरे धीरे जहाँ जहाँ तक हमें कॉल मैसेज आ रहे हैं हम धीरे धीरे पहुँचते जा रहे हैं।
आपके साथ मुझे लग रहा है कि काफी लोग और भी आए हैं यहाँ सहयोग करने के लिए, आपके सहयोग में शरीक होने के लिए। तो कैसा लगता है जब आपके इन कार्यों को देखकर बहुत सारे लोग आपके साथ जुटते हैं कि हम भी आपके साथ हैं और इस नेक काम में आपके हाथ बटाएंगे? जी, हमें बहुत ही अच्छा लगता है ये सुन के, क्योंकि हम तो वहाँ से चल के आए, लेकिन जो हमारे साथ वाले सहयोगी हैं, जैसे कि कप्तान साहब हैं, ये असन से हमारे लिए आए हैं। सिर्फ एक आवाज़, एक ही मैसेज हमने इनको पहुँचाया कि हमें सुबह वहाँ जाना है, और ये हमसे भी पहले यहाँ पर आ चुके। और इनके साथ जो हमें मेन कॉल गई थी, वो दौलतपुर के अमजद जी हैं जिन्होंने हमें मैसेज और कॉल किया था, इनके ज़रिए हमें इनका पता चला। इसी इन्हीं के ज़रिए, इस मैसेज के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और अगला कदम इन्हीं की शायद कोई और आवाज़ हमें वहाँ तक बुला रही है। कैसा लग रहा है एक और हम नेकी की तरफ कदम बढ़ा के? आप देखिए, ये मेरे मतलब मेरा कोई इसमें ज़्यादा जिज्ञासा, या मैं कहूँ कि मुझे ज़्यादा मनोबल नहीं था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे इस कदम बढ़ाने के लिए जो मेरे अंदर मन की भावना को पूरा करना चाहा है, उस मन की भावना आज मेरी पूरी हो रही है। तो मन से जो शांति है, वो कदम बढ़ाने के बाद तो बहुत ज़्यादा सुकून और चैन सुकून मिलता है। बहुत चैन सुकून मिलता है, और एक कदम नेकी की ओर इन्होंने बढ़ाया है। और ये सोफिया फाउंडेशन लगातार जो है अलग अलग क्षेत्र में जाके गरीब लोगों की सहायता करती है, और बहुत सारे लोग इसके साथ जुटने भी शुरू हुए हैं। कप्तान साहब भी असंध से पहुंचे हैं यहाँ पर इस सोफिया फाउंडेशन के सहयोग में शरीक होने के लिए। इस दौरान लाभार्थी हारून ने भी सोफिया फाउंडेशन का दिल से आभार व्यक्त किया। इस दौरान असंध से आए कैप्टन साहब और गरीब परिवार की सूचना देने वाले अमजद और ताहिर ने भी सोफिया फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे इन नेक कार्यों की सराहना की। क्या कहना चाहेंगे आप, बड़ी फेडरेशन चलाते हैं और आज यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जगत मान न्यूज का, जो कि इस कार्य के लिए तत्पर तैयार रहता है। और उसके बाद जो सोफिया फाउंडेशन जी के फाउंडर हैं मिस्टर शकील खान, तो उनके लिए तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गरूर होवे, माँ बाप नू माड़ा कदे ना आखिए पावे लख उन्हां दा कसूर होवे, बुरे रस्ते कदे ना जाइए पावे मंजिल किन्नी भी दूर होवे, बुल्ले शाह यारी ते दोस्ती उत्थे निभाइए जिथे मुहब्बत निभाण दा दस्तूर होवे। ये जो एक बुल्ले शाह जी का ये जो शेर है, ये शकील खान जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। ये वो रूह हैं, मेरे को बहुत फक्र महसूस होता है भाई मेरी यारी दोस्ती शकील खान जी के साथ है। अगर मैं देखूं तो मेरे को बस एक कॉल ही आई थी उनकी, भाई वो अपना बिजनेस के रिलेटेड आउट ऑफ कंट्री में गए हुए हैं, और यहाँ पे चंडीगढ़ से उनकी मिसेज चल के यहाँ पे आई हैं, इतनी दूर, कम से कम ये 300 किलोमीटर का सफ़र होगा आई थिंक। तो ये बहुत बड़ी बात भी है, और ये चीज़ें ऐसे तो नहीं मिल जाती, बहुत मेहनत और बहुत बहुत मेहनत की है उन्होंने शकील जी ने जी। और यही एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से, मैं भी साथ में, उस बंदे के लिए इतनी दुआएं करें कि वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे, मालक उसको बहुत खुश रखे शकील खान जी को। ये दुआएं देखो दिल से निकल रही हैं, कैप्टन साहब के दिल से निकल रही हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शेर हमें सुनाए जो कि बिल्कुल फिट बैठते हैं शकील खान के ऊपर, सोफिया फाउंडेशन के ऊपर। यहाँ पे वो गरीब परिवार भी, ज़रूरतमंद परिवार भी, हम गरीब नहीं कहेंगे, ज़रूरतमंद परिवार है, किसी हालात में हो सकता है कि इनको इस सहायता की ज़रूरत पड़ी है। हारून जी, आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई आपको सहयोग की मतलब आशा आपने रखी दूसरों से, क्या कारण रहा? जी, मेरे चोट लग गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें मैं थोड़ा दिक्कत मान गया था अपने बच्चे। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे थे? अच्छा अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? पांच बच्चे हैं जी। पांच बच्चे, चार लड़के हैं। दो लड़कियों की शादी है? हाँ जी, पहले यही है जी, दो लड़की और रह गई जी, दो लड़की और रह गई। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये संस्था इतनी दूर से चल के आई है, तरुणम जी आए हैं, इनके बारे में क्या कहोगे, आपके साथ ही इस सुख के घड़ी में, सुख की घड़ी में ही कहेंगे हम तो, इस सुख की घड़ी में साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे? मैडम का धन्यवाद है जी, मैडम का धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, ये दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, और ये गरीब थे, मालड़ी को सम्मान मिलेगा, इस थोड़े हम भी धन्यवाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला सोफिया को बहुत 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 ऊपर से
इनको धन्यवाद है जी। सोफिया भी एक बेटी है, सोफिया भी एक बेटी है जिसके नाम पे ये शुभ काम शुरू। हमें मम्मी ने उठा के हम सम्मान नहीं दे सके अपने बच्ची को जी, सम्मान नहीं दे सकते। हाँ जब हमें लग रहा था ऐसा, तो अब जब मैं मियान के पास आया होगी सोफिया जब चैन मिला, फिर जब सम्मान देंगे, फिर जब हमें आराम से चैन मिला, तो अब आप लोग खुश हैं? हाँ जी बहुत खुश है, दुआ दे रहे हैं। हाँ जी धन्यवाद बोल रहे हैं जी जी। तो ये थे सोफिया फाउंडेशन के लोग और साथ में ये परिवार, हारून का परिवार, जो कि भावुक है, भावुक क्षण है आज इनके लिए कि एक ऐसा सहयोगी जो ना इनका रिश्तेदार है ना इनके परिवार से है, और ये 300 किलोमीटर दूर से आके इनकी सहायता कर रहा है। काश यहाँ पर सुनने वाले और लोग भी और जो इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं वो भी सोफिया फाउंडेशन के साथ जुड़ें, या फिर ऐसे लोगों की सहायता के लिए अपनी फाउंडेशन बना के आगे आएं और दुनिया के लिए, एक समाज के लिए एक मिसाल कायम करें। हमारे साथ यहाँ पर जो इस बेटी की सहायता करने में जिन्होंने सूचना दी, और उनका नाम है अमजद, हम उनसे जानते हैं कि उनको कैसे पता चला कि सोफिया फाउंडेशन को इस बारे में बताना चाहिए और तब इसकी, इस बेटी की सहायता हो पाएगी, इस परिवार की सहायता हो पाएगी। अमजद जी क्या कहेंगे, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि सोफिया फाउंडेशन से जो है ये सहायता लेनी चाहिए? सर ये मेरे दोस्त हैं ताहिर भाई, ये जो हैं रक्षा चलाते हैं, तो ये ताहिर भाई की बैटरी की दुकान है, इनके पास ही आते हैं, इन्होंने मुझे इतला दी, तो फिर मैंने क्या नाम है शकील भाई से कहा। शकील भाई ने जब आपका फ़ोन सुना तो कहते हैं उनका कैसा रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन था जी, उन्होंने एकदम यस कहा कि हम तैयार हैं, हमारे पास आए भी और मिले भी हमसे। जैसा आपने सोचा मतलब वैसा हुआ? हाँ वैसा हुआ। तो ताहिर भाई क्या कहेंगे, आप बैटरी का काम करते हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन हैं, आपके पास समय भी नहीं होगा, लेकिन आप आज एक बेटी की शादी में जो है इस सामान का इंतजाम भी करवा रहे हैं, और सुनने में आया कि आप में भी इतनी एनर्जी जागी है कि अब आप भी जो है ये काम करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा सभी अपने जो वीडियो देखने वाले मेरे भाई है कि ये संस्था हर जगह बनाई जाए, जो जितने गरीब आदमी है उनको ये सहायता पहुँचाई जाए, चाहे वो सोफिया फाउंडेशन से जाए, चाहे वो हमारे जरिए से जाए या किसी और के जरिए से जाए, कि ये काम एक कदम नेकी की ओर जो अभी सोफिया जी ने कहा है वो सबसे आगे होना चाहिए, जो हमारे गरीब भाई है परेशान है उनको मदद हेल्प पहुंचनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा बागपत में भी एक ऐसा ग्रुप बने कि इसके सारे ये भी ग्रुप ऐसा चले कि जय सोफिया फाउंडेशन का नाम आज दुनिया भर में है, ऐसा इनाम एक बागपत के ग्रुप का होना चाहिए जो बागपत पूरी दुनिया में रहे। सोफिया फाउंडेशन से प्रेरित होकर हमने सुना है सूत्रों से कि भी आप भी जो है दो लड़कियों की आप भी शादी करने वाले हैं? जी जी जी, मैं भी दो लड़कियों की शादी करा रहा हूँ, मेरे जो यहाँ पे ग्रुप है, मेरे दोस्त है, यार दोस्त है, जितने भी मार्केट में मेरे उठने बैठने वाले आदमी है, सबके सहयोग से मैंने भी उनको इस ये सामान जितना ये है इतना ही सामान मैंने भी उनको कल देने का वादा किया है जी, कल दे रहा हूं। तो दर्शकों ये देखिए, मतलब एक कदम नेकी की ओर सोफिया फाउंडेशन ने बढ़ाया है, लेकिन अब बागपत से भी एक और कदम जो है आगे बढ़ गया है, इसलिए सबको आगे आना चाहिए, सबको जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, और इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें, जिससे कि लोगों को इसमें जागरूकता आए और वो लोगों की हेल्प करें। जगत महान न्यूज के लिए बागपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार। Heart is the pumping organ of our body. Here, we explain blood circulation through heart. Blood circulates two times through the heart. Firstly, the deoxygenated blood enters into right atrium through superior vena cava. And then, it enters into right ventricle by crossing tricuspid valve. After that, deoxygenated blood goes to lungs for oxygenation through pulmonary artery. After oxygenation, oxygenated blood enters into left atrium through pulmonary vein. From left atrium, oxygenated blood enters into left ventricle through bicuspid valve. Now, oxygenated blood enters into aorta and the oxygenated blood distributes itself to all body parts and organs.